जो बादशाह समंदर वही विश्व का सिकंदर। आज जब वॉर के कई जोन बन चुके हैं, ऐसे में विश्व विजेता वही होगा जो समंदर का बेताज बादशाह होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। दरअसल रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान नीले समंदर में अपनी ताकत दोगुनी करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सभी को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर दुश्मन को चारों खाने चित करना है तो समंदर में नेवी को परमाणु पावर से लैस करना होगा। शुरुआत ब्रिटेन ने की और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सबमरीन को रॉयल नेवी का हिस्सा बनाया। चीन भी नीले समंदर में वॉर के लिए अपनी ताकत दोगुनी कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को समंदर का सम्राट बनाने में जुटे हैं। हिंदुस्तान भी अपनी नेवी को सर्वशक्तिमान बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चीन एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी होंगे, उनके साथ चर्चा और विश्लेषण। लेकिन उससे पहले इस वक्त यह बड़ी खबर, दुनिया में मची न्यूक्लियर सबमरीन की होड़। ब्रिटिश नेवी को मिली HMS एनसन परमाणु पनडुब्बी। चीन भी नई परमाणु हमले में सक्षम सबमरीन तैयार कर रहा। नई पनडुब्बी के लिए चीन के बेस की फोटो आई सामने। ब्रिटिश नेवी में HMS एनसन एस्ट्यूट क्लास की यह पांचवीं अटैक पनडुब्बी, जिसे कहा जा रहा है कि एस्ट्यूट का क्लास की अब तक की सबसे बढ़िया पनडुब्बी है। और अटैक में यह बेमिसाल होगी। क्यों कहा जा रहा है एनसन को बेमिसाल और किस तरीके से पूरी दुनिया में पनडुब्बियों की होड़ मची है, आज हम बताएंगे अड़ी में आपको। और पनडुब्बियों की इस होड़ के मायने क्या है समंदर के लिए और जमीन के लिए। लेकिन उससे पहले नीले समंदर का एटम, ये जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पानी के भीतर भीतर चलने वाली नाव। लेकिन ये पनडुब्बी जब न्यूक्लियर पनडुब्बी हो जाती है, न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? और कौन से देश हैं जो खास तौर से इस दिशा में सजग दिखाई दे रहे हैं और जिनको ये मालूम है कि आने वाले दिनों में ब्लू बैटलफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है? चीन उनमें से एक है। ब्रिटेन ने अभी HMS एनसन का जब प्रदर्शन किया तो वो एक बार फिर से चर्चा में आया। अमेरिका, आप जानते हैं इस बारे में, वो किसी भी लहजे से पीछे नहीं रहना चाहता, लिहाजा पनडुब्बी भी उनमें से एक मसला है। और भारत भी ये देखते हुए कि आसपास से किस तरीके के चैलेंजेस पनप रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ब्रिटेन की तैयारी रॉयल नेवी के बेड़े में शामिल हुई HMS एनसन। अब जरा यह भी देखिए, जब पनडुब्बियों की बात हो रही है और देशों के बीच में होड़ की बात हो रही है, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि HMS एनसन को लेकर क्या कहा गया है। क्या कहा है डेविड क्रॉसबी ने, जो कि कमांडर हैं इस शिप के, उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कितनी ताकत है HMS एनसन की, दुनिया में सबसे खतरनाक। और कहा तो यह जा रहा है कि 1600 मील तक हमले की ताकत रखती है यह पनडुब्बी। 1000 मील मिनिमम, मैक्सिमम 1600 तक ये जा सकता है। और देखिए, न्यूक्लियर ईंधन से चलती है ये, 38 टॉर्पीडो से लैस है, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है।